हेलो फ्रेंड्स, मेरे टीचर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, कल के हमने छत्तीसगढ़ के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जितने भी अभयारण्य, मैंने कल का टॉपिक ख़त्म कर दिया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए, छत्तीसगढ़ में आपके बैक टू बैक बहुत सारे व्यापम और PSC का जो कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया था जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो जितना भी औद्योगिक विकास और यहाँ पे जितने भी छत्तीसगढ़ में औद्योगिक यहाँ पे लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आज का चैनल, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए, और जितना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं उन्हीं को कराऊँगा जो आपके एग्जाम पे बेस पे इंपॉर्टेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कि आपके क्वेश्चन PSC में पूछ। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो राज्य में सहकारी क्षेत्र का जो आपका पहला शक्कर खाना कहाँ स्थित है, तो आपके अंबिकापुर में, महासमुंद, धमतरी, कवर्धा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कवर्धा। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जो आपका सहकारी क्षेत्र जो कि आपका जो पहला शक्कर खाना जो कारखाना है कहाँ स्थित है, तो आपके कवर्धा जिले में स्थित। याद रखिए हमारे छत्तीसगढ़ का सहकारी क्षेत्र का पहला शक्कर खाना आपका कवर्धा है, याद रखिएगा। आपका जो जो आपका जो इसको कवर्धा जिला में इसको इसको लगाया गया है। इसमें 14 मेगावाट के यहाँ पे बिजली का भी इसमें उत्पादन किया जाता है, और इसको इस शक्कर को कारखाना है इसको सन यहाँ पे 2016 में इसको इसको स्थापित किया है, याद रखिए। लगभग इसमें 14 मेगावाट का यहाँ पे बिजली भी इसमें उत्पादन किया जाता है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे छत्तीसगढ़ का पहला शक्कर कारखाना है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। तो याद रखें रेशम उत्पादन की दृष्टि से हमारा जो छत्तीसगढ़ है सेकंड पोजीशन पर बना हुआ है, तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा दूसरा स्थान। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में इसको स्थापित किया गया है, तो आपके कोरबा, दुर्ग, रायपुर या आपके रायगढ़ में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, दुर्ग। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जानते होंगे, तो भिलाई जो इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के आपके दुर्ग जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना है 1955 इसको स्थापना किया गया था। यह भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, याद रखिएगा। इसमें आपके जो भिलाई स्टील प्लांट है आपके दुर्ग जिले में स्थित है, और यह इसको आपके इस संयंत्र की जो स्थापना है आपके सोवियत संघ की सहायता से इसको आपके 1955 में इसको जो कि इसकी स्थापना किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके 1955 को बनाया गया, और यहाँ पे जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और नोट डाउन करके रखिएगा, इसकी जो स्थापना है सोवियत संघ के हिसाब से इसको सहायता से बनाया गया है, और इस कारखाने की जो स्थापना आपके सेकंड दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के अंतर्गत इसको किया गया है। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको याद रखिएगा। तो इसकी स्थापना आपके 1955 में किया गया था, और सोवियत संघ की सहायता से इसको बनाया गया है। इसको दूसरी पंचवर्षीय 1956 से 61 के बीच में इसको बनाया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है राज्य का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थित है, तो आपका मोती सीमेंट संयंत्र, सेंचुरी सीमेंट संयंत्र, आपका L&T सीमेंट संयंत्र, चौथा है आपका जामुल सीमेंट संयंत्र। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, जामुल जो सीमेंट संयंत्र है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सीमेंट संयंत्र है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपके PSC में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला सीमेंट संयंत्र आपका जामुल सीमेंट संयंत्र है, याद रखिएगा। आपसे कौन से जिले में स्थित है, तो आपके दुर्ग जिले में स्थित है, और 1965 में इस सीमेंट कारखाना को इसको स्टार्ट किया गया था, याद रखिए 1965 में इसको इस संयंत्र को लगाया गया था, वर्तमान में आपके दुर्ग जिले में स्थित है। तो इस सब फैक्ट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनौई पेपर मिल राज्य के किस जिले में स्थित है, तो रायपुर, बिलासपुर, बलरामपुर, राजनांदगांव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिलासपुर। तो याद रखिएगा कनौई जो पेपर मिल है आपके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले में स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में रेलवे उद्योग कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो बिलासपुर में, राजनांदगांव में, रायपुर में या रायगढ़ में। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो राज्य में रेलवे उद्योग जो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है, तो आपके बिलासपुर जिले में स्थित है, याद रखिए। जो आपका बिलासपुर जो रेलवे स्टेशन है 16 क्रम का रेलवे स्टेशन है, याद रखिएगा, सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके PSC में क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता मुख्यतः किस उद्योग से प्रयुक्त होता है, तो लौह उद्योग में, बीड़ी उद्योग में, गोंद उद्योग में या चमड़ा उद्योग में।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बीड़ी उद्योग। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में तेंदू पत्ता से बीड़ी बनाया जाता है, तो तेंदू पत्ता मुख्यतः आपके बीड़ी उद्योग में प्रयुक्त होता है, तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में हस्तशिल्प विकास बोर्ड स्थित है? तो आपके बिलासपुर में, जगदलपुर, रायपुर, अंबिकापुर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायपुर में। तो याद रखिएगा तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में यहाँ पे हस्तशिल्प विकास बोर्ड यहाँ पे बनाया गया है। तो हस्तशिल्प विकास जो बोर्ड है आपके रायपुर जिले में स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस जिले में वैगन रिपेयर वर्कशॉप अवस्थित है? तो आपके रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में या रायगढ़ में। तो वैगन रिपेयर जो वर्कशॉप है जिसे आपका यहाँ पे जो आपके जो ट्रेन से संबंधित यहाँ पे जो कि पार्ट्स वगैरह इसमें बनते हैं, तो ये आपके कहाँ है? तो आपके रायपुर में अवस्थित है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पर स्थित है? तो आपके कोरबा, दंतेवाड़ा, रायगढ़, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है, इसकी स्थापना कहाँ किया गया है? तो आपके रायपुर में किया गया है। याद रखिए कई बार इसके क्वेश्चन को पूछा गया प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो आपके रायपुर में स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल्को कोरबा में उत्पादन कब से शुरू हुआ है? तो वर्ष 1965 में, वर्ष 1967 में या वर्ष 1971 में या डी है 1975 में। तो याद रखिएगा वर्ष 1975 में बाल्को में यहाँ पे कोरबा में उत्पादन करना यहाँ पे शुरू हुआ था वर्ष 1975 में। इसे यह है आपका जो बाल्को इस यहाँ एल्यूमिनियम प्लांट है, यहाँ पे एल्यूमिनियम बनता है। तो वर्ष 1975 में उत्पादन यहाँ पे स्टार्ट किया और इसके सिर्फ जो इसकी स्थापना है 1965 में बाल्को को जो कि इसकी स्थापना किया गया था। याद रखिए डेट को भी पूछ देता है, तो 1965 में जो यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पे। अभी वर्तमान में जो कि यहाँ पे स्टारलाइट इसके अभी भागीदारी में पार्टनरशिप कंपनी है स्टारलाइट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की कौन सी थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है? तो जिंदल पावर लिमिटेड, रिलायंस पावर कंपनी या भारतीय मित्तल पावर या आपके डी है इंड्रान पावर लिमिटेड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिंदल पावर लिमिटेड। यह छत्तीसगढ़ की निजी क्षेत्र की थर्मल पावर कंपनी यहाँ पे कार्यरत है, तो जिंदल पावर लिमिटेड याद रखिएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके, भिलाई इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में इसको खोला गया है? तो मैंने अभी बताया इसका द्वितीय पंचवर्षीय जो आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको इस भिलाई इस्पात संयंत्र योजना को यहाँ पे खोला गया था, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन लीजिएगा, इसका प्रथम लिख दिया बाई मिस्टेक, इसको बी ऑप्शन होगा द्वितीय, याद रखिए। तो भिलाई इस्पात संयंत्र किस जो पंचवर्षीय योजना में इसको खोला गया है, तो आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको लाया गया है। इसकी जो स्थापना है 1955 में इसकी स्थापना किया गया है, याद रखिएगा। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई इसको कहा जाता है, तो इसका द्वितीय सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कंटेनर फेट स्टेशन की स्थापना की गई है? तो उरला, बोरई, सिलतरा, सिरगिट्टी। तो आपका जो औद्योगिक केंद्र है उरला में, तो छत्तीसगढ़ के उरला में यहाँ पे उरला यहाँ पे जो आपके रायपुर के अंतर्गत आता है, तो आपके उरला में कंटेनर फेट स्टेशन की स्थापना यहाँ पे उरला में किया गया है, तो आपके रायपुर के अंतर्गत आता है उरला। यहाँ पे बड़े मात्रा में यहाँ औद्योगिक केंद्र है, याद रखिए सबसे बड़ा उरला का है कि बड़े बहुत ही बड़े स्तर पर इसको बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मगरतोल औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके राजनांदगांव में स्थित है, याद रखिएगा औद्योगिक विकास केंद्र राजनांदगांव जिले में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस जिले में बिरकोनी औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है? तो आपके दुर्ग जिला में, रायपुर में, महासमुंद में, आपके बलौदाबाजार जिला में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महासमुंद, याद रखिए। आपके जो क्वेश्चन है CGPSC 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो महासमुंद जिले में आपका जो बिरकोनी जो औद्योगिक विकास केंद्र है आपके महासमुंद में स्थित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले में ब्रुक ब्रांड पेपर मिल स्थित है? तो आपका जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायपुर, भिलाई में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जांजगीर चांपा में। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में यहाँ पे ब्रुक ब्रांड पेपर मिल यहाँ पे बनाया गया है, तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना कहाँ की गई है? तो सरगुजा, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रायपुर। तो उद्यमिता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना आपके रायपुर जिला में किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब की गई है? तो वर्ष 1980 में, 81 में, 82 में या 83 में। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो आपका हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम की स्थापना वर्ष 1981 में किया गया है। इसका जो मुख्यालय है रायपुर में
बनाया गया है, याद रखिएगा। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो डेट पूछ सकता है, इसका स्थापना यहाँ पे 1981 में किया गया है और इसका जो आपका मुख्यालय यहाँ पे रायपुर में बनाया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में लकड़ी एवं लोहे पर आधारित उद्योग का संकेंद्रण मुख्यतः किस जिले में पाया जाता है? तो आपके जगदलपुर में, जसपुर में, कवर्धा में, दंतेवाड़ा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दंतेवाड़ा। तो याद रखिए लकड़ी और लोहे पर जो औद्योगिक यहाँ पे जो काम करते हैं, औद्योगिक वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आपके सबसे ज़्यादा दंतेवाड़ा में इस जिले में पाया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य की मध्य भारत पेपर मिल किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो चांपा, रायगढ़, सरगुजा, कांकेर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चांपा में बनाए गए पेपर मिल, याद रखिए, कई बार इसको पूछा गया क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैलाडी लनिच्छे 5 का खदान कब जो कि आरंभ किया गया था? तो वर्ष 1970 में इसको आरंभ किया गया था, याद रखिए। बैलाडीला जो कि लोहे के खदान के लिए विख्यात है, तो आपका जो बैलाडी लनिच्छे जो 5 है, इस खदान का आरंभ 1970 में किया गया था, याद रखिए, जो कि लोहे के खदान के लिए बहुत ही विख्यात। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1970 में इसको आरंभ किया गया था, याद रखिए। इसमें यहाँ आप जो बैलाडी में उच्च कोटि के लोहा इसमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना कोरबा में NTPC की आधारशिला रखी गई थी? तो आपके तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत यहाँ पे कोरबा में NTPC की आधारशिला रखी गई थी, याद रखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में कोरबा NTPC की आधारशिला रखी गई थी। इसका जो स्थापना है 1983 में इसकी आधारशिला रखी गई थी NTPC कोरबा की, याद रखिए। पंचवर्षीय योजना में इसको बनाया गया था, याद रखिए। तो इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पहला स्टील प्लांट किसने लगाया था? तो काजी भाई जो मोरारजी राठौर थे, इन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली स्टील प्लांट को लगाया था हमारे छत्तीसगढ़ में। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरिण छपरा औद्योगिक विकास केंद्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कवर्धा, बिलासपुर, रायपुर या महासमुंद में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कवर्धा। तो याद रखिए, हरिण छपरा जो औद्योगिक विकास केंद्र है राज्य के, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कवर्धा जिले में हरिण छपरा औद्योगिक विकास केंद्र स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर पूछता है क्वेश्चन कि राज्य के सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए, मैंने कुछ टाइम पहले जो बताया, मैंने उरला जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है, याद रखी गया। तो राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र आपके कहाँ स्थित है? तो रायपुर के उरला में स्थित है, सबसे बड़ा यहाँ पर औद्योगिक केंद्र लगा हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भिलाई इस्पात संयंत्र का उत्पादन कब से उत्पादन इसको शुरू हुआ था? आपके 1957 में, 58 में, 59 में या आपके 61 में। तो इसको 1955 में बनाया गया था, लेकिन इसके बनने के बाद जो भी भिलाई इस्पात संयंत्र इसको उत्पादन 1959 में इसको शुरू हो गया था। अगर आपसे आपको उत्पादन पूछे तो 1959 लेना है, अगर इसकी स्थापना पूछा जाएगा तो 1955 इसको आपको लेना है। तो 1955 में आपकी स्थापना किया गया था, 1959 में आपका यहाँ पे उत्पादन स्टार्ट हुआ था। इसको कौन से पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो आपको याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय में इसको जो कि आपके सोवियत संघ के सहायता से इनको बनाया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1959। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसायन एवं खाद्य संयंत्र राज्य के किन जिलों में स्थापित है? तो राजनांदगांव और दुर्ग, राज्य रायपुर और बिलासपुर, दुर्ग और बिलासपुर, डी है कोरबा और कोरिया में। तो रसायन और जो खाद्य संयंत्र राज्य के यहाँ पे दुर्ग और बिलासपुर में यहाँ पे स्थापित किया है। रसायन और आपके खाद्य जो सामग्री यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुर्ग और बिलासपुर में इस यहाँ पे बनता है, आपके दुर्ग और बिलासपुर जिला में, याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बालकों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है? तो द्वितीय, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा तृतीय व पंचवर्षीय में बालकों की स्थापना की है, 1965 में इसकी स्थापना किया गया, याद रखिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाया गया है? तो आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाया गया, 1965 में इसका स्थापना किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बालकों को जो स्थापना है कौन से देश के सहयोग से यहाँ पे इसको निर्माण किया गया था, तो याद रखिएगा आपका जो कोरबा एल्यूमिनियम जो प्लांट है, इस जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आपका जो सोवियत संघ के सहयोग से इस बालको प्लांट को इसके स्थापना किया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय। तो याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में सिखीज जिले में यहाँ पे विस्फोटक पदार्थ बनाने का कारखाना कहाँ है? तो आपके कोरबा, रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर में।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरबा। तो याद रखिएगा विस्फोटक जो पदार्थ बनाने का जो कारखाना है आपके कोरबा जिले में स्थित है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला यहीं पे मिलता है आपके कोरबा जिले में। याद रखिए ऊर्जा नगरी इसको कहा जाता है आपके कोरबा को। पिछले प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन पूछा था ऊर्जा धानी या ऊर्जा नगरी किसको कहा जाता है, तो आपको कोरबा सिटी को कहा जाता है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लंबा हो जाए इसलिए नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।